friends, welcome you once again on the YouTube platform. This is Satish and you are watching my YouTube channel under JK Media Students. Today we are going to discuss gradable and non-gradable adjective. देखिए, first of all हम ये जानेंगे कि जो gradable adjective होते हैं वो क्या होते हैं और non-gradable adjective होते हैं वो क्या होते हैं और इनके जो examples होते हैं वो कैसे आपसे exams में पूछ सकते हैं, जो आपके competitive exams होती हैं उनमें आपसे पूछ सकते हैं कि उनमें से कौन सा जो है वो gradable adjective है और कौन सा gradable adjective नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे friends कि जो gradable और non-gradable adjective होते क्या है। तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना आप लोग मेरी बात को। जो ग्रेडेबल एडजेक्टिव वो होते हैं जो, देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो आप सभी जानते हो कि एडजेक्टिव कोई भी नाउन होती है, उसकी क्वालिफाई करता है, उसके बारे में एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन देता है, उसके बारे में कुछ न कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देगा, कुछ न कुछ उसके बारे में रिलेट करेगा, वह वर्ड क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। एक चीज तो सबको पता है कि एडजेक्टिव होता क्या है। अब जो एडजेक्टिव होगा उसको हमने दो भागों में बांटा है, एक तो हमारा क्या हो गया ग्रेडेबल एडजेक्टिव हो गया और दूसरा हमारा क्या हो गया नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव हो गया। तो देखिए, जो ग्रेडेबल एडजेक्टिव वो हो गया जिसकी बारे में हम कोई भी चीज की क्वालिटी बताएं, जिसका मेजर कर सके, जिसकी लेवल को, जिसकी क्वालिटी को हम क्या कर सके, घटा सके और बढ़ा सके। समझ आया मेरी बात? जैसे मैंने कहा कोई भी चीज ब्यूटीफुल है, मैंने कहा कोई भी चीज गुड है, अच्छी है, तो वो है बेटर भी हो सकती है वह और बेस्ट भी हो सकती है। मैंने कहा कोई चीज बुरी है तो बुरी है तो वह जो चीज है, वह जो नाउन है, वह क्या हो सकती है, जो बैड है वह वर्स भी हो सकता है और वर्स्ट भी हो सकता है। समझ आया मेरी बात को? तो ग्रेडेबल एडजेक्टिव वो होते हैं जिस एडजेक्टिव को हम क्या कर सके, मेजर कर सके, जिस एडजेक्टिव के बारे में हम कुछ न कुछ एडिशनल जोड़ सके उसके बारे में। समझ आया कि नहीं आया? जैसे कि मैंने अभी बोला ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, जिसके बारे में आपको मैंने बताया कि जैसे कि गुड है, बेटर हो गया, बेस्ट हो गया, जिसकी डिग्री बनती है, जिसकी डिग्री बनती है वो जो है ग्रेडेबल एडजेक्टिव में आएंगे और जिसकी नहीं बनती है वो ग्रेडेबल में भी आ सकते हैं और नॉन ग्रेडेबल में भी आ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है उसके एग्जांपल्स लेके आपको समझाता हूं। मैंने अभी आपको क्या बताया है कि जो ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है उसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। समझ आया क्या आपको? जिस तरह से आपको मैंने कहा कि लॉन्ग है, कोई भी चीज लॉन्ग है तो वह लॉन्ग क्या है, लॉन्गर भी हो सकती है और वह लॉन्गेस्ट भी हो सकती है। ठीक है, समझ आया? उसके बाद में कोई भी चीज है, आप एग्जांपल को लेके देखिए, कोई भी आपका है हॉट, हॉट आ गया तो उसमें कोई भी चीज गर्म है तो क्या आ गया इसका, हॉटेस्ट भी आ गया, उसके बारे में हॉटेस्ट भी हो गया। समझ आया? ये जो चीजें हैं ये तो है नॉर्मल, क्योंकि जिसकी डिग्री, इसको हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते, जिसका हम मेजरमेंट कर सके, जिसको हम मेजर कर सके, वह क्या कहलाएगा, आपका ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे एक चीज और ध्यान से समझना, ये जो पार्टिसिपल होते हैं आपके, पार्टिसिपल होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, पार्टिसिपल होते हैं ना, तीन प्रकार के जो पार्टिसिपल होंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा, उसके बाद में परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव होता है, वो जो है वो आपके ग्रेडेबल भी हो सकते हैं और नॉन ग्रेडेबल भी हो सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं, आपके सामने मैं एग्जांपल्स लेके आता हूं और उन एग्जांपल्स के द्वारा हम क्या करेंगे, उनको समझेंगे कि ग्रेडेबल जो एडजेक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। यस फ्रेंड्स, आपके सामने ये जो ग्रेडेबल एडजेक्टिव जो है उनके एग्जांपल्स मैंने डाल रखे हैं, इनको एग्जांपल्स के द्वारा आपको अच्छे से समझना है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि ग्रेडेबल जो एडजेक्टिव होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं जिनका हम मेजर कर सके, जिनकी जिनकी जो क्वालिटी होती है उसके लेवल को कम या ज्यादा किया जा सकता है। समझ आया मेरी बात को? जैसे यहाँ पे एंग्री है,
मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि जिनकी डिग्री बनती है कंपैरेटिव, पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, जिनकी तीनों डिग्री जब बनती हैं और वो जो डिग्री होती है वो भी किसमें आएगा, एडजेक्टिव, वो भी ग्रेडेबल में आएगा। और जिनकी डिग्री नहीं भी बनती है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनकी डिग्री नहीं बनती है और जिनकी डिग्री नहीं बनती है तो वो किसमें आएंगे, आपके जो ग्रेडेबल एडजेक्टिव में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया है कि ग्रेडेबल एडजेक्टिव वह होगा जिसका हम मेजर कर सके, जिसका कम या ज्यादा हम उनको आकलन कर सके, उनका मेजर कर सके। जैसे कि एंग्री शब्द है, क्या इसकी डिग्री बनती है, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, बनती है नहीं बनती है, बट इसका मेजर किया जा सकता है। वह एंग्री है, कितना एंग्री है वह, कम है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इस तरह से हम इसके लेवल को क्या कर सकते हैं, इसके लेवल को हम बांट सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। उसके बाद में हॉट जब है, क्या हो गया, हॉट, हॉटर आ गया, बिग, बिगर, बिगेस्ट आ गया, इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद में पॉपुलर शब्द है, क्लेवर शब्द है, डीप है, फ्रेंडली है, फ्रेंडली शब्द भी है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको भी ये कर सकते हैं कि वो कितना फ्रेंडली है। ठीक है, जो रिजल्ट निकल के आएगा, जो जवाब निकल के आएगा कि वह आप उसका जब मेजर करोगे तब पता चल जाएगा कि आप इसका मेजर कर सकते हो कि नहीं कर सकते, उसकी क्वालिटी की, उसके लेवल को आप बांट सकते हो कि नहीं, कम ज्यादा कर सकते हो कि नहीं कर सकते, तो वही आपके ग्रेडेबल एडजेक्टिव में आएगा। जैसे इंपॉर्टेंट हो गया, पॉपुलर हो गया, टॉल हो गया, वार्म, जैसे कि वार्मर, वार्मेस्ट हो गया, उसके बाद में वीक, वीकर, वीकेस्ट हो गया, उसके बाद में क्या हो गया, यंग, यंगर, यंगेस्ट हो गया। ये जो चीजें हैं, इस तरह से ग्रेडेबल एडजेक्टिव जो हैं वो जो हैं उनके से पहले ये जो ग्रेडेबल जो एडवर्ब्स होती हैं ये ही लगा के भी हम उनको कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो डिग्री से ही, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव से ही करें, नहीं, ये जो हैं एडवर्ब जो हैं, जैसे कि ए लिटिल, आपको बोला कि ए लिटिल हॉट, आपने बोला कि यहाँ पे एंग्री, तो यहाँ पे एक्सट्रीमली एंग्री, एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली कोल्ड, इंटेंसली, यहाँ पे इंटेंसली भी क्या है, वो किसी भी क्वालिटी को क्या कर रहा है, कम ज्यादा कर रहा है। उसके बाद में रेदर शब्द है, उसके बाद में रीजनेबल शब्द है, रीजनेबल से भी हम इनको क्या कर सकते हैं, इसके लेवल को कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में स्लाइटली आ गया, यूजुअली आ गया, वेरी आ गया, जैसे कि वेरी यंग आ गया, वेरी वीक आ गया। यहाँ पे जितने भी जो ग्रेडेबल एडजेक्टिव होते हैं, जितने भी एडजेक्टिव होते हैं, उनसे पहले हम इन वर्ड्स को लगा के उनके लेवल को, उनकी क्वालिटी को हम अप एंड डाउन यानी कि कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो जिसकी क्वालिटी को हम कम या ज्यादा करेंगे, जिसके जो जिसको अपने मेजर कर सकते हैं, जिसके लेवल को हम जान सकते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहलाएंगे। कौन से एडजेक्टिव कहलाएंगे, ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहलाएंगे। इसके एग्जांपल्स और देखेंगे बाद में, से पहले हम क्या कर लेते हैं, आपका नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव समझते हैं। तो देखिए, जानते हैं कि नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव क्या होता है। नॉन ग्रेडेबल जो एडजेक्टिव होता है, नॉन ग्रेडेबल का मतलब ये हो गया, जिस ऐसा एडजेक्टिव जिसकी हम क्या नहीं कर सकते, जिसको मेजर नहीं कर सकते, जिसकी क्वालिटी को कम या ज्यादा नहीं कर सकते, जिसके लेवल को हम जांच नहीं सकते, वो क्या होता है, आपका ग्रेड नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, यहां एक शब्द है डीईएडी, डेट, क्या है यहां पर, डेट, तो ये एडजेक्टिव है। सबसे पहले तो हमें ये अंदाजा लगाना है कि ये एडजेक्टिव है कि नहीं है। तो जैसे कि मैंने कहा कि डेड बॉडी, डेड बॉडी, तो बॉडी नाउन हो गया, और उसकी क्वालिटी बताने वाला, उसको क्वालिफाई करने वाला क्या हो गया, नाउन, क्या है, सॉरी, एडजेक्टिव, डेड हो गया। अब ये जो डेड है ये एडजेक्टिव है, अब ये ग्रेडेबल है या नॉन ग्रेडेबल है ये हमें देखना है। तो ग्रेडेबल में मैंने आपको क्या बताया, उसके उसको मेजर कर सकते हैं, उसके लेवल को कम या ज्यादा कर सकते हैं। बट यहाँ पर ये जो डेड है, यहाँ पे डेड को मरा हुआ है, कम मरा हुआ है या ज्यादा मरा हुआ है, आप कर सकते हो क्या इसका मेजर, नहीं कर सकते ना। तो जिसका मेजर हम नहीं कर सकते, जिसकी क्वालिटी को कम या ज्यादा नहीं कर सकते, वो क्या होगा, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होगा। अच्छे से समझ आ गया, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव वह होगा जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, जिसके बारे में क्वालिटी को कम या ज्यादा नहीं कर सकते, जैसे कि यह आ गया डेड आ गया। उसके बाद में जैसे कि आपका आगे परफेक्ट आ गया, पी ई आर एफ ई सी टी, परफेक्ट जो है
वो क्या है, एडजेक्टिव है, बट ये भी इसको भी हम क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। तो मेजर जिसको हम नहीं करेंगे वह क्या कहलाएगा, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहलाएगा। उसके बाद में जैसे आपको मैंने बताया कि पार्टिसिपल जो होते हैं, पार्टिसिपल सारे के सारे एडजेक्टिव होते हैं, बट उनमें से कुछ पार्टिसिपल ऐसे होते हैं जिनकी जो है क्वालिटी जो है, जिनके लेवल जो है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम आकलन कम या ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे एक वर्ड आ गया, मान लीजिए आपका फिनिश्ड आ गया, FINISHED फिनिश्ड है, ये क्या हुआ, पास्ट पार्टिसिपल हुआ। जैसे कि दिस वर्क इज फिनिश्ड, FINISHED, यानी कि इट इज फिनिश्ड वर्क कर लो, या फिर दिस वर्क इज फिनिश्ड कर लो। तो ये यहाँ पे क्या हुआ आपका, ये पार्टिसिपल हुआ, यहाँ पे पार्टिसिपल हुआ तो एडजेक्टिव हुआ, और एडजेक्टिव वह कैसा हुआ, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि नॉन ग्रेडेबल ये हो गया कि कोई भी काम है वो फिनिश हो गया, कम हुआ है ज्यादा हुआ है ये तो अपन उसका आकलन कर नहीं सकते। यहाँ पे वेरी फिनिश्ड भी आ सकता है क्या, क्वाइट फिनिश्ड भी आ सकता है क्या, नहीं। तो ये जो चीजें हैं इसका बिल्कुल भी वेरी फिनिश्ड या फिनिशर जो भी मच मोर कुछ भी नहीं लगेगा, और जो नहीं लगे वह क्या कहलाता है आपका, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहलाता है। तो मेरी बात को वापस सुनना, मैंने क्या कहा है, पार्टिसिपल जो होता है वह भी एडजेक्टिव होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका आ गया बॉइलिंग शब्द, आ गया BOILING, बॉइलिंग शब्द है, वह भी क्या है आपका, एडजेक्टिव है वह भी। तो बॉइलिंग है, उबलने वाला है कोई भी चीज जैसे, तो उसके बारे में आप आकलन कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना, कम ज्यादा बॉइलिंग वाला तो सिस्टम ही नहीं है, नहीं है। तो ये कौन सा हो गया, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव हो गया। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, पार्टिसिपल की बात कर रहा हूं। जैसे कि एक आ गया PURCHASED, परसिस्ट, MOVING, मूविंग चेयर, आपने एक मूविंग चेयर, तो यहाँ पे ये जो मूविंग शब्द है ये क्या है आपका, एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव कौन सा हुआ, ये आपका नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि ये जो मूविंग है, इस तरह से मूव करने वाले जो चेयर है उसको कम और ज्यादा हम उसका मेजर नहीं कर सकते, और मेजर नहीं कर सकते तो वो वर्ड्स क्या कहलाएंगे आपके, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहलाएंगे। इस तरह ये जो कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने जो है वो आपको क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये वाले हैं वो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। जिस तरह से ब्लैक शब्द है, तो ब्लैक को कम या ज्यादा कर सकते हो क्या, ब्लैक तो ब्लैक ही होता है, व्हाइट तो व्हाइट ही होता है, व्हाइट को क्या कम करना क्या ज्यादा करना, उसका मेजर नहीं कर सकते हम कोई भी चीज का, तो मेजर नहीं कर सकते। तो वह जैसे कि मान लीजिए आपका क्या आ गया, DESTROYED, एक शब्द आ गया डिस्ट्रॉय। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि दिस बिल्डिंग इज डिस्ट्रॉयड, ठीक है, या फिर दिस इज डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग, तो यहाँ पे डिस्ट्रॉयड है तो वो शब्द जो डिस्ट्रॉयड है वह डिस्ट्रॉय तो कर दी गई, नष्ट कर दी गई उसको, खत्म कर दी गई उसको, ठीक है, तो नष्ट कर दी गई तो वह तो नष्ट ही है, कम और ज्यादा उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये वाला क्या हो गया आपका, पार्टिसिपल हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया तो वह एडजेक्टिव हुआ, और एडजेक्टिव हुआ तो कौन सा एडजेक्टिव हुआ, वह नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव हुआ। इस तरह से अलाइव शब्द होता है, कोई भी चीज अलाइव है, जैसे द कैट इज अलाइव, तो वहां पे अलाइव को कम जीवित है और ज्यादा जीवित है उससे क्या फर्क पड़ता है, तो इसका अपन मेजर नहीं कर सकते। दूसरा क्या आ गया, सर्टेन आ गया, कोई चीज की करेक्ट आ गया, भाई ये करेक्ट है, सही है, तो सही है तो सही है, कम और ज्यादा इससे क्या फर्क पड़ रहा है, तो वह उसका मेजर नहीं किया जा सकता है। दूसरा क्या आ गया, डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक थिंग्स जो घरेलू चीजें होती है, तो घरेलू चीजें तो वो है, उसका कम और ज्यादा घरेलू के मतलब क्या होता है, नहीं बोलना। तो ये चीजें जो है जिसका अपन मेजर नहीं कर सकते, इसकी क्वालिटी के बारे में आकलन नहीं कर सकते कम ज्यादा का, जिसके लेवल को नहीं बता सकते कम या ज्यादा नहीं कर सकते, दैट इज द नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। उसके बाद जैसे कि कोई भी चीज है, इनोमस आ गया, फ्रीजिंग आ गया, कोई भी चीज फ्रीजिंग हो रही है, जम रही है, जम गई, तो कम और ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद में फ्यूरियस है, क्रोधित जिसको अपन बोलेंगे, ह्यूज है, बड़ा है। उसके बाद में ऑफुल है, एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट तो एक्सीलेंट ही होता है, उसमें कम और ज्यादा का एक्सीलेंट का मतलब क्या हो गया। फिर आपको क्या आगा, इम्पोसिबल आ गया, इम्पोसिबल है तो है, उससे कम और ज्यादा इम्पोसिबल का मतलब क्या हुआ। उसके बाद में आपको क्या आता है, ओवरजोर्ड, आप नौकरी लगते हो, आप ओवरजोर्ड हो जाते हो, तो उसमें कम और ज्यादा से कोई फर्क नहीं है, ओवरजोर्ड हो तो हो, आप अत्यधिक खुश हो तो हो, तो इससे क्या हो गया आपका, ये कोई भी चीज का हम डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं उसको, व्हाइट है, यूनिक है,
डिस्टर्ब, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था। तो ये जो चीजें हैं ये किस में आएंगी, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव में आएंगी, जिस एडजेक्टिव को हम क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, उसकी क्वालिटी को नहीं बता सकते। इनसे पहले जो ये वर्ड होते हैं, ये जो एडवर्ब होती है ना, ये जो नॉन ग्रेडेबल एडवर्ब होती है वो जरूर लगा सकते हैं, जैसे कि एब्सोल्युटली, जैसे कि मान लीजिए कोई आ गया इम्पॉसिबल आ गया, टोटली इम्पॉसिबल आ गया, जैसे कि अटरली शब्द आ गया, कम्प्लीटली आ गया, जैसे कि कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, ये शब्द जरूर जुड़ सकते हैं, बट उसमें कम और ज्यादा का आपको इन शब्दों पे क्या करना है, आपको थोड़ा ध्यान देना है। ये शब्द जो कि इनसे सेंटेंस जरूर बन सकते हैं, सेंटेंस बनेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये जो है वो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव से पहले ही लगते हैं, ग्रेडेबल एडजेक्टिव से पहले नहीं लगेंगे, सिर्फ आपको ग्रेडेबल जो एडजेक्टिव है, जैसे कि कोई भी एक सेंटेंस दे देगा उसमें इनको जोड़ के दे देगा और आगे वाला जैसे दे देगा तो वो आपको एरर में माना जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे सेंटेंस आपसे पूछ सकते हैं। तो ऑलमोस्ट शब्द आ गया, मैनली आ गया, सिंसियरली आ गया, तो ये जो है ये बोलेंगे इनको रिलेटिव, जो आपका नॉन ग्रेडेबल एडवर्ब्स बोलेंगे, ये जो एडवर्ब होती हैं वो इनसे पहले जरूर जुड़ सकती हैं, और इस तरह से जो काफी सारे जो है आपके जो एडजेक्टिव होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव बोलेंगे। जिस तरह से आपके सामने मैंने ये जो तीन एग्जांपल्स लिखे हैं, इन तीन एग्जांपल्स में आपको ये अंदाजा लगाना है कि इसमें क्या गलती है और कौन सा वो एडजेक्टिव है। जैसे कि मान लीजिए आपका ये एग्जांपल है, यहाँ पे ये डिस्ट्रॉयड दे रखा है, तो डिस्ट्रॉयड दे रखा है, ठीक है, ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव हो गया, तो राइट है। बट आपको मैंने बताया कि क्वाइट जो शब्द है, क्वाइट जो शब्द है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेडेबल एडजेक्टिव होते हैं, उन्हीं से पहले लगता है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। इसके लिए हम टोटली का यूज कर सकते हैं, और भी दूसरे जो होते हैं आपके एसेंशियली, जैसे कि मान लीजिए मैनली जिसको हम बोलेंगे, परफेक्टली जिसको हम बोलेंगे, ये वाले लगा सकते हैं, बट यहाँ पे ये जो क्वाइट जो है ये इससे पहले नहीं लगेगा, ये पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल जो है वो कौन सा है, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखिए, आई वॉज रियली टेरिफाइड, तो ये जो टेरिफाइड वर्ड है ये कौन सा एडजेक्टिव हुआ, ये टेरिफाइड का मतलब भयभीत हो गया, और भयभीत हो गया तो ये आपका नॉन ग्रेडेबल हो गया, मतलब कम और ज्यादा से नहीं, भयभीत है तो भयभीत ही है, तो इसका हम आकलन नहीं कर सकते, इसका हम इसको मेजर नहीं कर सकते, इसलिए ये वाला जो एडजेक्टिव है आपको एग्जाम में पूछे कि द अंडरलाइन एडजेक्टिव इज ग्रेडेबल नॉन ग्रेडेबल, इस तरह से आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे, इसको टेरिफाइड जो वर्ड होता है वो क्या होता है, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है, क्योंकि ये क्या नहीं हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है, इसका मेजरमेंट नहीं हो रहा है। दूसरा क्या आ गया, देखिए रिच वुमन, तो रिच जो शब्द है, रिच, रिचर, रिचेस्ट लगा सकते हैं ना, इसका मेजर कर सकते हैं, धनवान हो सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है, तो ये जो है आपका क्या है, ये आपका ग्रेडेबल एग्जांपल जो है, ग्रेडेबल एडजेक्टिव का एग्जांपल है, धनवान का एग्जांपल है, इस तरह से, ठीक है, समझ आया, आई होप कि आप अच्छे से समझ आए होंगे, और एग्जाम्स जैसे आपके आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको इजीली आप क्या कर सकते हो, इनको सॉल्व कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।